हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुणाल कुमार। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मैथ्स क्लास 12th चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी। सो इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो बच्चों सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सेकेंड एक्सरसाइज में हमारे पास जो कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट होते हैं 1-1 और ऑन टू। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो हमारा फंक्शन है वो 1-1 है या ऑन टू है। ठीक है, तो ये हमें दो फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब क्या कहता है ये फंक्शन, पहले मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन पे जाने से पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, तो इधर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। ठीक है, इधर है ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी। ठीक है, 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 डी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 3 बी को बिलोंग कर रहा है, 4 सी को बिलोंग कर रहा है। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं दैट इट इज़ 1-1 फंक्शन। ठीक है, इट इज़ 1-1 फंक्शन। क्या ये 1-1 फंक्शन है? हाँ, ये 1-1 फंक्शन है, बिकॉज ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे बोलता हूँ, मैं बोलूँगा ए इज़ द इमेज ऑफ 1। ठीक है, या मैं बोलूँगा 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ए इज इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि एक एक से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ये ए को बिलोंग करेगा और सपोज 2 भी ए को बिलोंग कर रहा है तो हम इसको 1-1 फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या देखना होता है, ये ऑन टू भी है, इट इज ऑन टू फंक्शन एज वेल। ठीक है, ये ऑन टू कैसे हुआ, ये देखो, ये जो होता है इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, सारे जो एलिमेंट्स हैं इसको बोलते हैं डोमेन, और ये जो पूरा सेट है ये होता है को डोमेन। ठीक है, और इसमें जो रिलेट कर रहे होते हैं, सारे रिलेट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ये समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, तो ये हो गया 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 सी को कर रहा है, 4 डी को कर रहा है। ठीक है, बस। तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगा डोमेन क्या होता है, तो डोमेन हो गया जो फर्स्ट वाले सेट में बिलोंग कर रहे हैं, जो रिलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि बच्चों बताओ डोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1, 2 और 4। और अगर मैं आपसे पूछूंगा को डोमेन क्या होता है, ठीक है, तो को डोमेन क्या होता है सर, जो दूसरे वाला पूरा सेट होता है उसको को डोमेन बोलते हैं। तो ये हो गया ए बी सी डी ई। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूंगा रेंज, तो रेंज क्या होती है, जो दूसरे वाले सेट में रिलेट कर रही होती है, तो रिलेट क्या कर रहा है, ए बी और सी। ठीक है, डी और ई किसी को रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया कि डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। ठीक है, लेकिन सर आपने यहाँ बताया था 1-1, तो ये भी 1-1 है। और ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑन टू के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका को डोमेन है और रेंज, अगर वो दोनों सेम है, फॉर एग्जांपल या दूसरी भाषा में बोलूँ, कोई भी बी दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे देखो इसमें डी और ई छूट गया ना, इसकी कोई रिलेट नहीं कर रहा इसको, तो इसका मतलब ये जो है ये फंक्शन क्या बोलेंगे कि इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट ऑन टू। अच्छा, इस केस में क्या ये ऑन टू है? हाँ, ये ऑन टू है, क्योंकि ए बी सी डी, मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा को डोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पूरा सेट, पूरा सेट मतलब ए बी सी डी। और अगर मैं आपसे पूछूंगा रेंज, तो आप बोलोगे कौन कौन रिलेट कर रहा है, ए रिलेट कर रहा है, बी रिलेट कर रहा है, सी रिलेट कर रहा है, और डी भी रिलेट कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि बच्चों ये को डोमेन और रेंज दोनों सेम है। तो अगर को डोमेन और रेंज सेम होती है या दूसरे वाले सेट में कोई छूटना नहीं चाहिए, बात एक ही है,
तो इसका मतलब ये क्या कहलाया जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन कहलाया जाएगा। देखो ये ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। क्या ये वन वन है? हाँ ये वन वन है। और ये क्या ये वन वन है? हाँ ये भी वन वन है। वन वन के लिए हम बस ये देखते हैं कि एक एक्स एक वाई से रिलेट कर रहा है, बस ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ठीक है। अगर दो एक्स एक वाई से रिलेट करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट वन वन फंक्शन, राइट। चलो तो ये दो फंक्शन के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन वन कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स इज वन वन। मुझे शो करना है कि ये फंक्शन वन वन है, ठीक है। तो बच्चों वन वन का जो दूसरा नाम होता है उसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे ये शो करना है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। और जो ऑन टू होता है उसका दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, सॉरी सर्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑन टू होता है उसका दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। और जो फंक्शन वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, दोनों ही अगर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं वन वन एंड ऑन टू, या तो आप बोल दो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, या बोल दो इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो पहला पार्ट कह रहा है कि प्रूव करो कि ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। मतलब ये जो सेट है इसमें सारे रियल नंबर हैं, इसमें भी सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। तो ये आर टू आर है, राइट। तो कह रहा नॉन जीरो रियल नंबर, जो आर स्टार है, जो आर स्टार है उसको क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी सारे रियल नंबर हैं, फॉर एग्जांपल माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, और नॉन ज़ीरो होने चाहिए तो वन टू थ्री, है ना। इसमें भी नॉन ज़ीरो है तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन वन टू थ्री, ऐसे पॉइंट वाले भी बीच में सारे नंबर आ जाएंगे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि हर एक एक्स की, ये एक्स होता है ये वाई होता है, हर एक एक्स का अलग वाई होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं बोल दूंगा इट इज़ वन वन। अगर ऐसा नहीं है, और नहीं प्रूव करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको एक एग्जांपल ही बहुत है, ओनली वन एग्जांपल इज सफिशियंट टू प्रूव कि ये वन वन नहीं है, ठीक है। मतलब अगर ट्रू होगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सारे आंसर्स ट्रू वाले होंगे, और अगर फॉल्स होगा तो एक फॉल्स भी मिल गया तो आप प्रूव कर सकते हो कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो चलो ये एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई। तो वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, ठीक है। अब चेक करते हैं, अगर एक्स की वैल्यू वन रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वन, ठीक है। देखो अगर एक्स की वैल्यू वन रखूंगा वाई की वैल्यू वन आ रही है, अगर एक्स की वैल्यू मैं टू रखूंगा तो इधर वाई की वैल्यू क्या आ रही है, बोलो वाई की वैल्यू क्या आ रही है सर, 0.5। थ्री रखूंगा तो 0.33, है ना। अगर इधर 0.5 रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो 1/0.5 सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब कोई ऐसी एक दो वैल्यू सेम नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये ऐसे हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर हमें श्योरिटी हो गई कि हाँ सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो हम फिर इसको थियोरिटिकली प्रूव करेंगे। हाउ टू सॉल्व इट थियोरिटिकली फॉर वन वन, फॉर वन वन के लिए हम इसको प्रूव करने वाले हैं। फॉर वन वन क्या प्रूव करेंगे, हम ये लेके चलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। हम ये गिवन लेके चलते हैं, y के बदले मैं लिख देता हूँ x1 और x2। चलो इसको काट के दोबारा लिख देता हूँ। हम ये लेके चलते हैं एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है। तो जो मेरा फंक्शन था ये एफ एक्स ही होता है, है ना, y का मतलब एफ एक्स ही होता है। तो अगर x1 x के बदले x1 डाल दूंगा तो एफ एक्स वन क्या हो गया सर, 1/x1, और एफ एक्स टू क्या हो गया, 1/x2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चल रहा हूँ, और अगर मेरे आंसर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आता है, तो इट शोज दैट इट इज़ वन वन फंक्शन, ठीक है। ये वन वन फंक्शन का प्रूफ है, ठीक है। तो ये हमने किया वन वन फंक्शन को प्रूफ, ठीक है। अब हम करेंगे इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। अब दूसरा पेज लेते हैं। अब हम प्रूफ करेंगे ऑन टू।
तो मेरा क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है ना, मतलब वाई इज इक्वल टू 1/x। तो इधर भी मेरा एक सेट था, इधर भी सेट था रियल नंबर का, नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो यहाँ पे था बोल -3 -2 -1 1 2 3, -3 -2 -1 1 2 3, क्योंकि दोनों तरफ सेम है ना, आर स्टार था, नॉन जीरो। तो ये एक्स की वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज वाई की होती हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना है, ऑन टू का मतलब क्या ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, अगर ये सारी वैल्यूज़ इधर रिलेट करेंगी तो मैं बोल दूंगा कि ये ऑन टू है। अगर ऐसा है कि कोई वैल्यूज़ नहीं भी आ सकती, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये ऑन टू नहीं है। जैसे मैं चेक करता हूँ, सपोज एक्स की वैल्यू मैंने 1 डाली तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 डाली तो वाई की वैल्यू 0.5 आ रही है। अगर एक्स की वैल्यू -2 डालूंगा तो -0.5 आ जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू 0.5 डालूंगा तो 2 आ जाएगी। तो ऐसे कर करके मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी जो कोई भी वैल्यूज़ इसमें कवर हो सकती हैं, मतलब कोई भी वैल्यू है वो छूटेगी नहीं, सारी वैल्यू इसमें कवर हो रही हैं। अगर मेरे को अपने आप में श्योरिटी है कि हाँ भी कोई भी वैल्यू उसकी कवर मतलब छूट नहीं रही, तो मैं बोलूँगा येस इट इज़ ऑन टू। और ऑन टू को प्रूव करने का तरीका क्या होता है, जैसे मेरे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मुझे 1/x दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स का मतलब वाई होता है, वाई का मतलब 1/x, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप इधर से एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1/y, वाई इधर चला गया, एक्स इधर चला गया, ठीक है। और जो एक्स की वैल्यू 1/y है उसको मेन फंक्शन में डाल दो, तो एफ 1/y क्या हो गया पूरे इक्वेशन में, और एक्स की वैल्यू दोबारा 1/y डाल दिया, इसको सॉल्व किया तो वाई आ गया, ठीक है। देखो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, वाई हो गई। तो अगर मेरा आंसर हर क्वेश्चन में अगर वाई आंसर आ रहा है, ठीक है, अगर मैंने एक्स की वैल्यू डाली इन टर्म्स ऑफ वाई और मेन क्वेश्चन में डाली, और अगर सॉल्व करके मेरा आंसर हर क्वेश्चन में वाई आएगा, तो इसका मतलब सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरा ऑन टू का प्रूफ ऐसे होता है, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, 1/1 का प्रूफ कैसे होता है हर क्वेश्चन के लिए। आप एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 लेट करके चलोगे और सॉल्व करोगे, अगर एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 आ जाता है तो आप बोलोगे ये 1/1 है, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले आपको खुद अपने एग्जांपल्स, अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से श्योरिटी करनी पड़ेगी कि ये 1/1 है या नहीं है, क्योंकि जो नहीं भी होगा ना वो भी ऐसे प्रूफ हो जाएगा कि ये 1/1 है। तो आपको पहले श्योरिटी करनी है, और अगर 1/1 है तो थियोरिटिकली ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या करना होता है, हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेते हैं, मैं इधर से वाई की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू निकालूंगा, इसको लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स, फिर जो सॉरी वाई की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही होती है, मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना। ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी गिवन होती है, और ये वाली चीज़ हम फाइंड करते हैं कि एक्स की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। जो ये वैल्यू आई वो दोबारा से मेन इक्वेशन में डाल दो, तो अगर आप ये वैल्यू डालते हो और सॉल्व करोगे और अगर आंसर वाई आ जाता है तो आप बोल सकते हो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये ऑन टू का प्रूफ होता है, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर ये 1/1 है तो आपको पहले श्योरिटी करनी पड़ेगी, ऑन टू है तो पहले श्योरिटी करनी पड़ेगी। प्रूव करने के लिए थ्योरिटिकली ये प्रूव कर सकते हो, और अगर फॉल्स होता है तो आपको वो एग्जांपल शो करना पड़ेगा जिससे वो फॉल्स हो रहा है। कोई भी एग्जांपल दे दो, फिर आपको कोई थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है, ये इस क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 के दो पार्ट हैं, ये कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, और को डोमेन सेम है, ठीक है। इसका मतलब जो पहले वाला नंबर है, पहले वाला डब्बा है, उसमें क्या थे, आर स्टार थे, उसको हमने चेंज कर दिया न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे आर स्टार का मतलब -3 -2 -1, पॉइंट वाले भी हो गए और नॉन जीरो है, तो चलो ठीक है, इधर 1 2 3 ऐसे ऐसे मैं सारे नंबर लिख देता हूँ, ठीक है।
चलो, और पॉइंट वाले भी हैं बीच में, तो ये एक्स की वैल्यूज़ कहलाती हैं, वाई की वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सपोज मेरे पास जो क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। अब आपको ये शो करना है कि 1 1 है या नहीं है, है ना। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो वाई की, ये वाई होता है ना, एफ एक्स का मतलब वाई होता है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा, वाई की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 डालूंगा, वाई की वैल्यू 0.5 आ रही है, इधर तो पॉइंट आ सकता है। अगर मैं इधर 3 डालूंगा 0.33 आ रहा है, राइट। 4 डालूंगा तो ये जो वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी, कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं आ सकती, ठीक है। कि मैंने ऐसे अपने दो चार एग्जाम्पल लेके मैंने श्योरिटी कर ली। अब मुझे प्रूव कैसे करना है, प्रूव करने का फिर वही तरीका है। मैं प्रूव कैसे करूँगा, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, ये लेट करते हैं, और फिर मैं लेके चलूँगा एफ एक्स 1। यहाँ पे एक्स 1, एक्स के बदले एक्स 1 डाला तो पूरे क्वेश्चन में एक्स के बदले एक्स 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स 1, सॉरी ये हो गया 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। दोनों को सॉल्व किया और एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 आ गया। अगर ये आ जाता है हर क्वेश्चन में तो हम बोलेंगे इट इज़ 1 1 फंक्शन, ठीक है, इट इज़ 1 1। लेकिन ये प्रूव करने से पहले आई हैव टू मेक श्योर अपने एग्जाम्पल से कि ये 1 1 है या नहीं है, कि ये 1 1 है या नहीं है, ये 1 1 है या नहीं है, ये 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो ऑन टू के लिए अब मैं देखूंगा कि क्या ये सारी वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर कोई भी एक भी वैल्यू छूट रही है तो इसका मतलब वो आंसर नहीं आ सकता। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, 1/x, या मैं बोलता हूँ 1y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू केवल नेचुरल नंबर डाल सकता हूँ, क्योंकि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, मैं 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3, 4, 5। मुझे बताओ, मैं नेचुरल नंबर कोई भी वैल्यू डालूंगा तो वाई की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है। सर नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि 1, 2, 3 ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कभी आंसर -3 आ सकता है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। -4 भी नहीं आ सकता, -2 भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब आप एग्जांपल दोगे क्यों, क्योंकि जो वाई है, वाई की वैल्यू जो -3 है, ठीक है ना, वो कभी नहीं आ सकती, ठीक है, वो आपके रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करेगा। वाई की वैल्यू जो -3 है वो आपके रिलेशन को कभी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। सो मतलब ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आपको एग्जाम्पल देना है कि जो कोडोमेन है उसमें जो -3 है वो किसी, इसके लिए कोई भी एक्स नहीं है, ठीक है। और मैं इसको दूसरी भाषा में ये लिख सकता हूँ, देर इज नो, मैं इसको अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ, देर इज नो प्री इमेज ऑफ एक्स, सॉरी देर इज नो प्री इमेज ऑफ -3 इन डोमेन, ठीक है। डोमेन में -3 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं होती, जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो प्री इमेज कहलाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक एग्जांपल बन सकता है इस भाषा में भी। तो ये आपने एक एग्जांपल दे दिया, तो अब आप ये ले सकते हो, सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आपको खुद खुद हिट एंड ट्रायल लगाना है, इसलिए थोड़ा सा चैप्टर मुश्किल माना जाता है तो समझने के लिए, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है, चेक द इंजेक्टिविटी, है ना। मतलब आपको प्रूव करना है, चेक करना है कि इंजेक्टिव है या नहीं। इंजेक्टिव का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने अभी, 1 1 फंक्शन, है ना। तो मुझे 1 1 प्रूव करना है, चेक करना है। एंड सर्जेक्टिविटी क्या था, सर ये ऑन टू था, है ना। तो मुझे 1 1 और ऑन टू चेक करना है। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। जो फंक्शन दिया हुआ है वो n टू n दिया हुआ है। n टू n का मतलब पहले डब्बे में भी मैं समझाने के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ,
ये दूसरे डब्बे में भी है ना, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। और मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं, फॉर 1 1 है ना, मैं आपके साथ थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, ठीक है। अगर मैं, मुझे एक बात बताओ, 1 1 का मतलब एक एक से ही बिलोंग करा, मुझे ये छोटी रखनी है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 लूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 4, है ना। देखो 2 पुट किया तो वाई की वैल्यू 4 आ गई, मतलब 1 1 से बिलोंग कर रहा है, 2 4 से बिलोंग कर रहा है, 3 9 से बिलोंग करेगा, 4 16 से बिलोंग करेगा। तो मुझे बताओ कोई भी ऐसा है कि एक की दो वैल्यू आएंगी, नहीं, सबकी अलग अलग वैल्यू आ रही है ना। तो ये तो मैंने श्योरिटी कर ली कि भैया ये 1 1 फंक्शन है। अच्छा अब लिखूँ कैसे, सर लिखने का तरीका क्या होता है, लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, ठीक है। तो एफ एक्स 1 मतलब यहाँ एक्स 1 डाला तो हर जगह एक्स 1 डालूंगा पूरी इक्वेशन में, ये मेरा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स 1 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स 2 का स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक्स 1 इज इक्वल टू रूट एक्स 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर में दो वैल्यूज आती हैं आपको पता है, प्लस और माइनस, बट मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा क्योंकि दूसरे में भी नेचुरल नंबर है और आपको पता है नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव ही होते हैं, तो इसका मतलब मैं नेगेटिव को रिजेक्ट करूंगा, पॉजिटिव ही ले लूँगा। तो देखो मेरा आ गया ना एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2, है ना, हर क्वेश्चन में यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो इट इज़ 1 1 फंक्शन, सो इट इज़ 1 1 फंक्शन, राइट। अच्छा ठीक है, अब हम सब्जेक्टिविटी के लिए प्रूव करेंगे, है ना, चेक करेंगे सब्जेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे। दोबारा से मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 डैड डैड डैश, इधर भी नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डैड डैड डैश, ठीक है बच्चों। अब इधर देखो यहाँ पे वही मेरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एफ एक्स को वाई भी बोलते हैं, है ना। तो मैं साथ साथ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मुझे बताओ ऑन टू के लिए क्या चेक करना है, इधर कोई छूटना नहीं चाहिए, है ना। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है, सर y की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y की वैल्यू 4 आ रही है। अगर 3 रखूँगा तो ऐसी y की वैल्यू कुछ 9 आएगी। मुझे बताओ क्या 2 खाली छूट गया, सर किसी का भी स्क्वायर 2 नहीं हो सकता नेचुरल नंबर में, है ना। देखो 1 के बाद 1 का आंसर 1 होगा, 2 का आंसर 4 होगा, तो इसका मतलब इनका तो आंसर कोई होगा ही नहीं, है ना, इसके लिए कोई x है ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2 इन डोमेन, इन डोमेन, ठीक है। या मैं बोलूँगा y इज इक्वल टू 2 डज नॉट बिलोंग टू r, है ना, वो आपके रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा। सो फॉर एनी x, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। देखो पहले मैंने चेक किया और फिर मैंने प्रूव करने के लिए मैंने थ्योरी नहीं दी क्योंकि मेरे को एग्जाम्पल हाथ में गिवन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आप प्रूव करोगे और अगर ट्रू होता तो मैं थ्योरी लिखता, ये मैंने किया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। बच्चों इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, एफ दिया हुआ है जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोबारा से दिमाग लगाना है, क्वेश्चन मेरा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मतलब होता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा पहला सेट होता है, ये दूसरा सेट होता है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये z है ये भी z है, ये पहले वाले जो फंक्शन होते हैं उसकी वैल्यू को, पहले वाला सेट होता है उसकी वैल्यू x होती है, दूसरे वाले की y होती है। इधर मैंने क्या लिया z, z का मतलब सपोज -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ फॉर 1 1, है ना, फॉर 1 1 पहले मुझे चेक करना है, पहले मैं 1 1 के लिए चेक कर रहा हूँ। तो हम अपना हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो क्या होगा,
बताओ, अगर मैं -3 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो माइनस एक्स की वैल्यू -3 ली तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? +9 है ना। या मैं और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, -2 लिया तो एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? इधर 4 भी ले देता हूँ, इधर 5 भी ले देता हूँ, तो -2 की वैल्यू क्या आ रही है? 4 है ना। और अगर मैं 2 लूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4। देखो दो एक्स की सेम वैल्यू आ गई, तो क्या ये 1-1 फंक्शन है? इट इज़ नॉट 1-1 फंक्शन, बिकॉज बिकॉज 4 वाई इज इक्वल टू 4 हैज टू प्री इमेजेस, दैट इज -2 एंड 2। आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, या आप ऐसे ले सकते हो -2, 2, 4 एंड 2, 4 है ना। देखो दो वाई सेम आ रहे हैं और दो वाई सेम है और दोनों एक्स की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब ये आर को बिलोंग कर रहा है, सो इट इज़ नॉट, ये इस वे में भी ले सकते हो, इस वे में भी ले सकते हो, सो इट इज़ नॉट 1-1 फंक्शन, सो इट इज़ नॉट 1-1 फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं इसी में एग्जांपल देता हूँ, -2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। ये जेड इंटीजर है, इंटीजर में पॉइंट वाले नहीं आएंगे, है ना, तो मुझे बताओ 2 का कभी आंसर आ सकता है? सर देखो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 2 कभी आंसर आ ही नहीं सकता, है ना, किसी इसमें से किसी का भी स्क्वायर करो कभी भी 2 नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज़ नॉट ऑन टू, इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आप इसके लिए एग्जांपल दोगे, क्या दोगे? देयर इज़ नो प्री इमेज, देयर इज़ नो प्री इमेज ऑफ 4 इन द डोमेन, ठीक है, सॉरी देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2 है ना, कि 2 का कोई आंसर नहीं है। तो मैं इसको ये भी ले सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 2 डज नॉट बिलोंग टू r, ये रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है, तो ये मैंने ऑन टू और सब्जेक्टिव आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इसी में, ठीक है, तो फिर बाकी क्वेश्चन भी आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये दिया हुआ फंक्शन है आर टू आर। अब देखो पहला क्वेश्चन था एन टू एन था, दूसरा जेड टू जेड था, तीसरा आर टू आर हो गया, राइट, मतलब इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर हो गए -3, -2, -1, 0, 1, 2, कुछ 2.5, 3, कुछ ऐसे कोई भी डेसिमल भी ले लिया है ना, ऐसे कुछ भी नंबर ले लो, क्योंकि रियल नंबर में तो पॉइंट वाले भी आते हैं, सारे नंबर आते हैं सारे, ठीक है। और फंक्शन क्या है? फंक्शन मेरा वही है एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब वाई जील टू एक्स स्क्वायर। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बताओ क्या ये 1-1 है? इज इट 1-1? उफ, देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ, 1-1 का मतलब कोई दो रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 1 है ना, वही वाली बात है। अब मैं एक्स की वैल्यू -1 डाल दूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1, वही पहले वाले की तरह ही हो गया, पहले मैंने 2 का 4 लिया था, -2 का 4 लिया था, तो ये 1-1 नहीं है, राइट, तो आप इसको पिछले बार की तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो 1 हैज़ 2 प्री इमेजेस, दैट इज -1 एंड 1, सो इट इज़ नॉट 1-1 फंक्शन। ऑन टू है, देखो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, वही वाली बात है, देखो ये रियल नंबर है ना, क्या है ये? रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या होता है बच्चों, जैसे ये 2 था है ना, तो इधर तो पॉइंट भी होंगे सारे नंबर, है ना, तो ये जो 2 है इसकी कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पे होगी, ठीक है, तो यहाँ तो पॉइंट है, पिछली बार पॉइंट नहीं थे, लेकिन मुझे एक बार बताओ किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? -3 किसी
किसी को रिलेट करेगा कभी इसमें, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू मैं डालूं, चाहे पॉइंट डालूं चाहे कुछ भी डालूं, कुछ भी डालूं, देखो एक्स की कोई भी वैल्यू डालूं और उसका स्क्वायर करूंगा तो हमेशा पॉजिटिव आता है। मैंने आपको बता रखा है, सपोज -3 का भी स्क्वायर करोगे ना तो वो भी +9 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी +9 आएगा। इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, चाहे आप माइनस डालो चाहे प्लस डालो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -3 की कोई प्री इमेज नहीं हो, है ना, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज -3 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन, राइट। ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही ओरली आपको समझा दिया। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन भी करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, फंक्शन है एन टू एन, ठीक है, ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, राइट। तो एन टू एन, अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज 1 2 3 4 5 डेट डैश, 1 2 3 4 5 डेट डैश, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, है ना, मतलब वाई क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, राइट। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं है, लिखने का काम आप कर लोगे, है ना। मैं आपको काफ़ी समझा चुका हूँ कैसे लिखते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 8 आएगी, सपोज यहाँ पे कहीं 8 होगा। 3 डालूंगा तो 27 आएगी। तो इसका मतलब सबकी अलग अलग वैल्यू आएंगी, जिससे कि दो वैल्यू सेम नहीं आ सकती, राइट। तो इट इज़ 1 1 फंक्शन, प्रूव आप कर दोगे, है ना। कैसे करेंगे, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, जहाँ एक्स 1 एक्स है वहाँ एक्स 1 1 लगा दो, एक्स 1 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स 2 का क्यूब, ठीक है। तो एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 हो गया, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में वो प्लस माइनस का चक्कर भी नहीं होता, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। क्या ये ऑन टू है, अब वही वाली बात है, इट इज़ ऑन टू और नॉट, चलो आप बताओ। देखो 2 का कोई आंसर, 2 के लिए कोई x की वैल्यू होगी, x की कोई भी वैल्यू ऐसी डाल सकता हूँ जिससे आंसर 2 आ जाए। सर 1 के बाद मैंने 2 डाला तो देखो 1 के बाद 8 हो गया, तो बीच में जो 2 से लेकर 7 तक है उसका कोई आंसर है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है। इसका मतलब आप लिख सकते हो एक एग्जांपल देके, 2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन सेट डोमेन, ठीक है, इन डोमेन इन नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, राइट। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगा के ये चीज़ें करनी है, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट आप घर पे खुद करोगे, चलो मैं नेक्स्ट भी करा देता हूँ, क्यों इसको छोड़ो, ठीक। चलो फिफ्थ वाला पार्ट हम करते हैं। फंक्शन दिया हुआ है जेड टू जेड, राइट, इट इज़ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जेड का मतलब क्या हो गया, -3 -2, जेड का मतलब क्या हो गया, -3 -2 -1, जीरो 1 2, है ना। ऐसी दूसरा सेट भी है, वो भी जेड है, जेड में क्या हो गया, -3 -2 -1, 0 1 2 3, डैट एडेशन। अब मुझे बताओ ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, सर 1 आएगी, है ना। और अगर मैं -1 डालूंगा तो क्या आएगी, -1, है ना। इसमें स्क्वायर नहीं है जिसमें दोनों में सेम आ जाए। 2 डालूंगा तो एक्स की वैल्यू 2 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 8 आ गई, और -2 डालूंगा तो -8 आएगी। सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है ना बच्चों, आपने देखा सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। सो मैं प्रूव कर दूंगा इट इज़ इंजेक्टिव, ठीक है। तो ये इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव के लिए अब जेड है, है ना। अब मुझे बताओ 2 किसी का आंसर आ सकता है, देखो अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 8 आ रही है, तो 1 के बाद 8 आ रही है ना, तो 2 3 4 5 6 7 ये तो रह गए, इनकी तो कोई वैल्यू यहाँ पे एक्स मैच नहीं करेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिससे वाई की जो वैल्यू है वो 2 आ जाए। देखो अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 आ रही है वाई की वैल्यू, 2 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 8 आ रही है, राइट। तो 2 तो हम लिखें, देर इज़ नो प्री इमेज ऑफ 2, सो इट इज़ नॉट ऑन 2, ठीक है। तो दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन 3 कह रहे हैं प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन R टू R, है ना, रियल नंबर टू रियल नंबर, और मुझे एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर 2.9 आंसर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 2,
अगर 2.1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 होगा, ये ध्यान से सुन लो ठीक है। कई बार बच्चे ये कन्फ्यूजन कर देते हैं कि 2.9 का आंसर 3 हो जाएगा ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 2.9 है ना, तो इसका आंसर होता है लेस देन और इक्वल टू। इससे लेस और इक्वल टू इंटीजर कौन कौन से हैं, इसके लेस और इक्वल तो ये हो गया 2, 1, 0 ऐसे आएंगे, तो इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन 2.1 के लिए पूछेगा तो भी होगा इससे लेस और ग्रेटर, सॉरी इससे लेस और इक्वल टू इंटीजर कौन से हैं, तो 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया, दोनों का आंसर 2 आएगा राइट। और अगर आंसर पूछा है 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 2 ही होगा ठीक है। चलो तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बताओ ये 1, 1 ये ऑन 2 है, 1, 1 और ऑन 2 के लिए प्रूव करना है। अच्छा प्रूव यही करना है, इट इज़ नीदर 1, 1 एंड ऑन 2 ठीक है। तो वो कर देते हैं, ये रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, मतलब इधर -3, -2, -1, 0, 1, 2, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे ले लो, पॉइंट वाले भी ले लो, सारे पॉइंट वाले भी आएंगे, तो मैं 2.5 ऐसे भी लिख देता हूँ ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं क्योंकि इधर भी पॉइंट वाले सारे हैं, अगर मैं इधर 2.9 की वैल्यू लूँ, सपोज़ यहाँ पे एक्स, ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, 2.9 लूँगा तो 2.9 का आंसर क्या होगा, अगर मैं इधर 2.9 पुट करूँगा तो आंसर होगा 2 है ना। देखो मैंने बताया 2.9 का आंसर 2 है, तो इसका मतलब 2.9 किसको बिलोंग करे, 2 को। अगर मैं इधर 2.1 है उसको लूँ तो आंसर क्या होगा, सर वो भी 2 आएगा। तो देखो क्लियर हो गया, इट इज़ नॉट 1, 1 ठीक है, क्योंकि 2x की एक वैल्यू आ रही है वाई राइट। तो आप लिख सकते हो सिंस 2 हैज़ 2 इमेजेस, 2 प्री इमेजेस, 2.9 एंड 2.1, सो इट इज़ नॉट 1, 1 ठीक है। ऑन 2 के लिए क्या प्रूव करोगे, ऑन टू के लिए आप प्रूव करोगे कि ऑन टू के लिए हमें देखना है कि कोई छूट तो नहीं रहा ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई आंसर छूट रहा है। अब इधर भी पॉइंट आएगा, सपोज 2.1 है ना, अगर मैं इधर 2.1 पुट करूंगा तो आंसर 2 आ रहा है, 2.9 पुट करूंगा तो 2 आ रहा है, क्या किसी का आंसर 2.1 हो सकता है। सर देखो अगर x की वैल्यू आप पॉइंट में कुछ भी डालोगे तो आंसर में 2 आएगा है ना। इसका आंसर मतलब इसका आंसर कभी पॉइंट में आ सकता है, देखो ये तो हमेशा इंटीजर ही आ रहे हैं ना, इसका नाम ही है लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर राइट ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर कभी पॉइंट में आ नहीं सकता, तो ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर में 2.1 है, तो आप लिख दो एग्जांपल देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2.1 ठीक है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों ऐसे आपको दिमाग लगा के ये क्वेश्चन करना है ठीक है। चलो फिलहाल हम इतना ही छोड़ते हैं आप, क्योंकि कंसेप्ट आपके सारे इसमें कवर हो चुके हैं। बाकी इसकी एक्सटेंशन वीडियो, इसकी वीडियो एक्सरसाइज 1.2 की सेकंड पार्ट मैं आपको लेके आऊँगा, लेकिन कंसेप्ट आपको आ चुके हैं तो आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं ठीक है। बाकी इन फ्यू डेज आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। चलो थैंक यू सो मच, सी यू, बाय।